ये मत पहनो, वो पहनो, ये मत पहनो कहने का किसी को अधिकार नहीं है। इस मुल्क की आवाम के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर हमला है ये बीजेपी हुकूमत का और हिंदुत्ववादी फोर्सेस का। कई लोग साड़ी पहनते, कई लोग चूड़ीदार पहनते, कई लोग हिजाब पहनते, कई लोग कुछ पहनते। अगर आवाज बुलंद कर गुलबर्गा बंद कर एहतजाज करते तो माना जाता था कि भाई कांग्रेस के MLA वो काबिल है। हमारे कपड़ों की बात मत करो, दोनों कम्युनल्स का हाथ है। हिजाब को एक मुद्दा बनाकर आवामी हकूक के जमहूरी हकूक के ऊपर हमला है। वो जो शाल पहन के आने का और हिजाब को सामने करने का। तो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव या मुस्लिम लीडर मत बोलिए, मैं इनको मुस्लिम लीडर मानता नहीं। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से गुलबर्गा के MLA जो है ये सब्स्टिट्यूट है। देखो ये जो इस देश में खुराक की बात लेकर, खुराक का मतलब खाने की बात लेकर, खाने की बात लेकर, कपड़ों की बात लेकर, ये जो आइडेंटिटी का नाम हो रही है ना, प्रधानमंत्री एक बात कहे हैं, पहचानो कपड़ों से। उस बात के पीछे का क्या था, द्वेष संस्कृति फैलाने का बात था, सभी के दिल में द्वेष फैलाना। हमारे देश में ये जो कपड़े हैं ना, अलग अलग कम्युनिटी का, अलग अलग प्रदेश का, अलग अलग हमारे क्या है पोशाक है, हम वो पहनते हैं। ये मत पहनो, वो पहनो, ये मत पहनो कहने का किसी को अधिकार नहीं है, नहीं है। कई लोग साड़ी पहनते, कई लोग चूड़ीदार पहनते, कई लोग हिजाब पहनते, कई लोग कुछ पहनते, मगर बात ये है सभी को एजुकेशन दे दो। हमारे खाने की बात, हमारे पोशाक की बात, हमारे कपड़ों की बात मत करो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा मैडम, और देखो इसके पीछे दोनों कम्युनल्स का हाथ है, दोनों कम्युनल का। ये जो केसरीकरण, वो जो शाल पहन के आने का और हिजाब को सामने करने का, और हिजाब की बात इन्होंने बढ़ा करके लोगों के सामने रखने का, दोनों कम्युनल का ये बात है ना, इसके बीच हमारे महिलाओं को है ना सता रहे हैं, हमारे महिलाओं से ये कर रहे हैं। इस तरीके के जो है ना हरकतें बाजारों में और सियासी स्टेजों पे देखी जाती थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये चीज़ आ गई है, कम्युनल चीज इंस्टीट्यूट में एजुकेशन, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई की बात होती है वहाँ पर ये चीज़ें हो रही है, कहाँ तक से? मैंने यही बात कह रही हूँ ना, ये गवर्नमेंट का तो ये साजिश है कि एजुकेशन आपको सेकुलर रूप से देना उनका इरादा नहीं है। उन्होंने हमसे एजुकेशन खींचना चाहते, एजुकेशन के बाहर हमको रखना चाहते हैं। आज उन्होंने हिजाब पहन के आए हैं इसलिए आपको एजुकेशन नहीं है, कल उन्होंने बोलेंगे आप दलित हैं, आप मुस्लिम हैं, आप महिला हैं, इसलिए आपको एजुकेशन हम नहीं देंगे। ये गलत है बात कि कोर्ट क्या कर रही है, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। एजुकेशन सेक्युलर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमारा एजुकेशन है, और ड्रेसिंग हमारी इच्छा की बात है। कौन होते हैं ये पहनो वो मत पहनो बोलने वाले के लिए, बोलने के लिए, ये हम कड़ी इसका विरोध करते हैं। और जो वो प्रांशुपाल आज क्या कल हमने देखे कि दरवाजा बंद करें, और एक सीनरी आ गया कि वो लोग भी वो क्या की पहन के आए, उनके लिए भी दरवाजा, ये ड्रामा सब बंद करो। उनका इंटेंशन यही है कि करावली प्रदेश का नारायण गुरु का जो स्टैचू दिल्ली में परेड में उनका स्तब्ध चित्र परेड होना था, केरला गवर्नमेंट वहाँ भेजे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका इनकार करे, नकार करे, उसमें करावली प्रदेश में, उड़पी मंगलूर उस प्रदेश में है ना, कि OBC लोग जो नारायण गुरु का फॉलोअर्स है, OBC लोग ये BJP का खिलाफ हो रहे थे, ये उनको क्या है इसका लोगों को डाइवर्ट करना उनका इरादा था। वो डाइवर्ट करने के लिए दोनों कम्युनिटी का, दोनों कम्युनल लोग मिलकर इशू बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले PM का एक बयान था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लेके, उनका ये कहना था कि भाई ये राइट्स जो हैं देश की तरक्की के लिए अड़चन है। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए, वही संविधान की शपथ लेकर वो प्रधानमंत्री है, तो ये राइट्स के ऊपर बात करके अवामी हकूक़ को ख़त्म करने की साजिश करने का अपना सोच ख़त्म करें। और जहाँ तक हिजाब का मामला है, हिजाब को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह इजाज़त देता है राइट टू प्रैक्टिस प्रीच एंड प्रोपोगेट योर रिलीजन। वो प्रैक्टिस जो कर है किसी के मज़हब की, उसको रोका नहीं जा सकता। ये जो है हिजाब का मसला नहीं है, बल्कि इस मुल्क की आवाम के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के ऊपर हमला है ये BJP हुकूमत का और हिंदुत्ववादी फोर्सेस का। इसका CPM कड़े अल्फाजों में मजम्मत करती है और इसके लिए सड़कों पर उतर कर बड़ा एहतजाज भी करेगी। ये
मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो हमले कर रही है लगातार बीजेपी, आरएसएस और उनके मुख्तलिफ तंजीमें, ये उसी का हिस्सा है। हिजाब को एक मुद्दा बनाकर आवामी हकूक़ के, जमहूरी हकूक़ के ऊपर हमला है। इसके ख़िलाफ़ हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखने वाला, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के लिए अपना जहन रखने वाला, जो प्रोग्रेसिव फोकसर्स हैं, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारे लोगों को आगे आना इस वक्त ज़रूरी है। अच्छा, और जिस तरह से मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से आवाम नाराज नज़र आ रही है, जितने भी मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में, वो लोग इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे। जब उनको क्रिटिसाइज किया गया, उनकी नाराज़गी जाहिर की, तो वो भी सड़कों पर उतर कर आम जनता की तरह एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इनको मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना बोले, क्योंकि मेरे को एक बात अच्छे से याद है, कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज लीडर दलित लीडर हैं, तो उनको किसी ने कहा था आप दलित लीडर हैं, तो उनका जवाब था वो कांग्रेस लीडर का, मैं दलित लीडर नहीं हूँ, मैं कांग्रेस लीडर हूँ। उसी तरीके से जो आप मुसलमान लीडर बोल रहे हैं, इनको मुसलमान लीडर मत बोलिए, ये कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, आप उनकी कांग्रेस की बात कीजिए, क्योंकि माइनॉरिटीज़ राइट्स के लिए बात करने वाले नहीं है, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए बात करने वाले नहीं है। आज कई दिनों से बीबीसी पे न्यूज़ आ गया कर्नाटक का उड़पी हिजाब का, आज वो इशू जो इंटरनेशनल इशू बन चुका है, कम से कम अगर ये लोगों में सलाहियत होती या समझ होती, तो एटलीस्ट वर्ल्ड हिजाब डे के दिन अपनी आवाज़ बुलंद कर वो लड़कियों के, उनके जमहूरी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते थे, उनकी जमहूरी हकूक़ के तहफ़ के लिए आवाज़ उठाते थे। ये सारे नाकाम हैं, इसलिए इनको मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव या मुस्लिम लीडर मत बोलिए। मैं इनको मुस्लिम लीडर मानता नहीं हूँ, अगर कोई मानते हैं तो वो जाने वो ये कितने मुसलमान लीडर इन्हें मुसलमानों के लिए कितनी आवाज़ उठाने वाले हैं। तो इसलिए आप मुझे मुसलमान, वो लोगों को मुसलमान लीडर बोल के मत बोलिए, कांग्रेस के चुने हुए नुमाइंदे हैं ये बोल लीजिए आप। सर, जो गुलबर्गा नॉर्थ की नुमाइंदगी करते हैं मोहतरमा कनीज फातिमा, माशाल्लाह असम्बली में भी बाहिजाब जाती हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मोहतरमा कनीज फातिमा से? उनकी तरफ से भी कोई ये ज़ोरदार बयान नहीं आया, बस एक थोड़ा सा एक अखबार में एक मुजम्मती बयान आया है, क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे थे एक बाहिजाब खातून है जो असेंबली में बैठती हैं? देखिए साहब, मैं बहुत पहले एक यहाँ पे एक डिस्कशन में बुलाया गया था लाइव मुझे, तो मैं जब कह चुका हूँ ये बात के ऊपर, मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेके बोला था। क्रिकेट में जैसे सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है, सब्स्टिट्यूट प्लेयर आपको ग्राउंड में दिखेगा लेकिन वो बैटिंग बॉलिंग नहीं करता है, उसी तरीके से ये गुलबर्गा के MLA जो हैं ये सब्स्टिट्यूट हैं, ये कुछ करेंगे नहीं, ये बस दिखने के लिए हैं। एक सब्स्टिट्यूट प्लेयर जैसे क्रिकेट में होता है, सब्स्टिट्यूट MLA है, ये आवाम अच्छे से जान चुकी है इनकी नाकामी हर लिहाज से। भाई आप हिजाब लगा के जा रहे हैं तो आप सबसे आगे जाकर वो लड़कियों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए था, एक मुजम्मती बयान नहीं होता है। ये जिस तरीके से गुलबर्गा में धरना प्रदर्शन करे थे अभी कॉरपोरेशन के लिए, जिस तरीके से उनके एक साथी के ऊपर पुलिस के एक मार से जब धरना प्रदर्शन करे थे, उससे बड़ा पैमाने पर अगर ये लोग गुलबर्गा में वो हिजाब के मामले पे, वो जमहूरी के हकूक़ के मामले पे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के मामले पे लड़कियों के अगर आवाज़ बुलंद कर गुलबर्गा बंद कर एहतजाज करते, तो माना जाता था कि भाई कांग्रेस के MLA वो काबिल हैं जो हिजाब डालकर आज असेंबली में बैठे हैं, वो दूसरे लड़कियों के हिजाब के लिए भी उसी तरीके से आगे बढ़कर आवाज़ उठाना चाहिए था, वो नहीं करें, इस मामले में उनकी नाकामी है।